एवरीवन वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब अभी अभी मूवी देख के आ रहे हैं किच्चा सुदीप की द पैन वर्ल्ड मूवी, दैट इज विक्रांत रोना। और इसका जो इंटरवल रिव्यू है ऑलरेडी मेरे चैनल पे आउट है, सो आप जाके चेकआउट उसको कर सकते हो। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरे मूवी के बारे में, कौन सा चीजें अच्छा लगा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कौन सा चीजें हमको फ्लॉज भी लगा, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि अगर आप विक्रांत रोना जाने का सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ कैरी करके जरूर जाना। वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को जिस तरह से शुरू होता है वो जिस तरह समा बांधता है वो धीरे धीरे करके बांधता है, तो आपको वहां पे पेशेंस रखने का जरूरत होगा, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि वहां पे आपके तरफ एक के बाद एक वो जो कड़ियां है ना वो फेंकी जाएंगी और उसको आपको उन कड़ियों को संभाल के रखना पड़ेगा ताकि सेकंड हाफ में आप उनको जोड़ सको और उसके बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा ना वो बहुत ही बेहतरीन निकलने वाला है। अब देखो सबसे अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो निकल के आता है वो मेरे लिए है इसका विजुअल्स, मतलब एक विजुअल ट्रीट है, विजुअल डिलाइट है, विजुअल वंडर है ये। और जिस तरह से इसमें सिनेमेटोग्राफी किया गया है, जिस तरह का इसका वीएफएक्स वर्क है, जिस तरह के सेट्स डिजाइन किए गए, वो पूरा जंगल जिस तरह से वो गांव बनाया गया बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। तो फुल मार्क्स फॉर द वीएफएक्स एंड द सेट डिजाइनिंग एंड द सिनेमेटोग्राफी टीम, बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो जो एक एक्सपीरियंस मिलता है ना आपको थिएटर में इस फिल्म को पूरे देखने का 2.5 घंटे, वो बहुत ही जबरदस्त रहता है। अब इसमें एक तड़का डालने का काम करता है इसका 3D इफेक्ट्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि भर भर के थ्रू आउट द फिल्म आपको 3D इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जहां जहां पे भी मिलते हैं बहुत सॉलिड मिलते हैं। और स्पेशली हम आपको इंटरवल वाले रिव्यू में बताए थे कि एक एक्शन सीक्वेंस है जंगल में किच्चा सुदीप का, वहां पे जब जिस तरह से वो भाला आता है या फिर जिस तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, जिस तरह का एंट्री सीक्वेंस में कुछ जो ओशन का दिखाया जाता है वो सब सीन हो गया, या फिर क्लाइमेक्स में आपको एक पीछे वाटरफॉल दिखता है, तो ये सब जो है इसका जो आपको पूरा एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। सो 3D हम तो जरूर बोलेंगे आपको कि 3D में जाकर देखो, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होगा उसको और ज्यादा इनहेंस कर देगा। और सेकंड सबसे बड़ा पॉजिटिव ऑब्वियसली बादशाह किच्चा सुदीप, उनका जो परफॉर्मेंस है ना जबरदस्त रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है, जिस तरह से उनका मैनरिज्म, जिस तरह से उनका मतलब आवाज, इनफैक्ट मतलब हम हिंदी में देखें तो उनका जो हिंदी डबिंग है बहुत ही जबरदस्त है। हाँ कहीं कहीं आपको थोड़ा सा साउथ इंडियन वाला जो एक्सेंट है ना वो कहीं कहीं कुछ कुछ वर्ड्स में आपको लग सकता है, लेकिन अदरवाइज इट इज फ्लॉलेस थ्रू आउट द फिल्म। तो फुल मार्क्स टू हिम। जिस तरह का उनका ऑरा है, जिस तरह का उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, जिस तरह का स्वैग है, जिस तरह का एटीट्यूड पूरे फिल्म में उन्होंने एस विक्रांत रोना कैरी किया है, बहुत ही जबरदस्त है और वन मैन शो की तरह पूरे फिल्म को कैरी करके ले गए हैं। तो फुल मार्क्स वहां पे भी डेफिनेटली देने को मिलते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट तीसरा नंबर पे निकल के आता है वो इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स को जिस तरह से निकाला गया है, जिस तरह से स्टोरी है, जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स को प्रॉपरली डाला गया है, स्पेशली द क्लाइमैक्स इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, क्योंकि वहां पे जब पत्ते खुलना शुरू होते हैं और जब आखिरी पत्ता खुलता है दैट विल टेक यू अबैक। वहां पे आपको लगेगा कि यार जबरदस्त लगा, मतलब मजा आ गया, पैसा वसूल जिसको बोलते हैं ना उस तरह का आपको फीलिंग आया कि भाई अभी मजा आया है। क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जैसे बिल्डअप होता है, फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा ड्रैगिंग लग सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में जब कहानी आपको पता चलता है उसके बाद धीरे धीरे पत्ते खुलना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर क्लाइमेक्स तक बिल्डअप होता है और क्लाइमेक्स में जिस तरह का इमोशंस वगैरह डाला गया और जिस तरह का फाइट सीक्वेंस भी है वो बहुत ही रॉ रखा गया है, बहुत ही रियलिस्टिक रखा गया है, एट द सेम टाइम बहुत ही इंटेंस भी है। और वहां पे जो पूरा जो हम लोग को देखने को मिलता है माहौल क्लाइमेक्स में वो बहुत ही बेहतरीन है, उससे पहले आपको इमोशन से भी भर दिया जाएगा ताकि वो चीजें आपको और ज्यादा रिलेट करें। तो वहां पे जो परफॉर्मेंस है क्लाइमेक्स में किच्चा सुदीप का हो या फिर जितने परफॉर्मेंस है, हम कौन कौन है वो बताएंगे नहीं वरना फिर स्पॉइलर हो जाएगा, तो जितने लोग भी क्लाइमेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं ना उनका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त निकल के आया। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव्स विक्रांत रोना को एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देते हैं और बहुत ही एक गुड वॉच बनाते हैं। लेकिन कुछ फ्लॉज भी हमको लगे हैं और उसमें हम आपको इंटरवल वाले रिव्यू में भी बताए थे कि सबसे बड़ा फ्लॉ हमको लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच कहीं कहीं थोड़ा सा ड्रैगिंग लगेगा, क्योंकि जो सॉन्ग्स है ना वो थोड़ा सा काम बिगाड़ने का काम करते हैं। फर्स्ट हाफ में जो दो सॉन्ग आते हैं, हम इंटरव्यू में भी बताए थे कि जो ललाबाई सॉन्ग है और उसके बाद फिर एक और जो सॉन्ग आता है बच्चों के साथ, तो वो अगर उसको ट्रिम कर देते या उसको नहीं भी रखते तो कुछ उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो एक तरह से थोड़ा सा ड्रैगिंग, थोड़ा सा स्ट्रेच आपका जो स्क्रीन प्ले है उसको कर रहा था, तो वो हमको एक लगा नेगेटिव पॉइंट। अदरवाइज सॉन्ग जो है वो कुछ बहुत ही जबरदस्त भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक से हैं, लेकिन वो जो मोमेंटम है, जो पेस है ना पूरी मूवी का, उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। रकमा जो गाना है वो तो काफी अच्छा गाना है, वो सेकंड हाफ में आता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो गाने हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेच आपको पहला हाफ इसलिए थोड़ा सा ड्रैगिंग लग सकता है, इसलिए हम बोले कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने का काम है वहां पे। और सेकंड जो हमको थोड़ा सा फ्लॉ लगा वो लगा कि जो इन्वेस्टिगेशन के जो पोर्शंस है उसको वो जहां पे कट हो जाते हैं उसके बाद फिर एक फैमिली एंगल चलने लगता है या फिर
थोड़ा सा रोमांटिक एंगल चलने लगता है तो वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन करता है, तो स्लोनेस जो है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 घंटा 28 मिनट की ये फिल्म है, अगर उसको 10 से 12 मिनट और काट देते तो वो बहुत जबरदस्त रहता। कल जब हम बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बता रहे थे उसमें आपको बताया था कि 2.5 घंटा मेरे हिसाब से बहुत ऐप टाइम है, लेकिन अगर वो 2 गाने और कट जाते तो कहीं 2.25 घंटे के आसपास की मूवी निकल के आती, जो बहुत ही परफेक्ट होता एकदम इसके लिए, और जो पूरा समय है ना वो जबरदस्त तरीके से बनता। जिस तरह से किच्चा सदीप का जो एंट्री सीक्वेंस है, उनका सिगार पीने का स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनका स्वैग, वहां पे जो बीजीएम यूज होता है, क्योंकि हम जब से विक्रांत अरोड़ा का ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर जब से उनको मतलब उसके अपडेट्स वगैरह बता रहे हैं, तो उसमें हम ये बोल रहे थे आपको कि जो गुमा बंदा गुमा गुमा वाला वो जो बीजीएम आता है वो सबसे अच्छा है, तो हमको देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पे यूज होता है इस फिल्म में, और वो एंट्री सीक्वेंस में ही यूज होता है किच्चा सदीप के, जो कि बहुत ही वेल डिजाइंड है और बहुत ही जबरदस्त भी लगता है। स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप नहीं लेकिन बहुत ही स्टाइलाइज्ड वे में और स्लो मोशंस का यूज करके उसको शूट किया गया, तो वो भी काफी अच्छा है। ओवरऑल जो विक्रांत अरोड़ा का एक्सपीरियंस है मेरा बहुत ही जबरदस्त रहा, विजुअली तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रहा। इक्का दुक्का जो ये जो फ्लॉज हम गिना है उसके अलावा विक्रांत अरोड़ा इज अ वेरी वेरी गुड वॉच, और आपको डेफिनेटली इस फिल्म को जाके एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। इस फिल्म इस तरह की जो ब्रेव फिल्में बनती हैं उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म है भी एक अप्रिशिएट के लायक। अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली इस फिल्म से कुछ अच्छा लेके जाओगे और एक एक्सपीरियंस जो होगा आपका सिनेमा का वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आएगा। सो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी वेरी गुड वॉच, और इसी के साथ इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसका जो टाइमिंग है या फिर इसका जो भी इशू है वो बहुत ज़्यादा इशू ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क पड़ जाता है आपको। सो ओवरऑल विक्रांत अरोड़ा इज अ वेरी वेरी गुड वॉच मेरे हिसाब से। सो ये था मेरा रिव्यू, अगर आपने देख लिया विक्रांत अरोड़ा तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।